हमने कल कैसी दिवाली मनाई आप लोगों ने देखा होगा, पूरे व्लॉग में बहुत ही मस्ती वाली दिवाली थी, सारे फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छा दिवाली का सेलिब्रेशन हमने किया है। बट इंडिया में जो जो हुआ है वहां पे इतना मजा आया कि डेमो पटाखा खाते खाते बच गया, मतलब कोई अनार चल रहा था, अनार को मुंह में डालने से पहले मतलब शुक्र है बच गया। वो हर साल ऐसे ही करता है डेमो, मेरा डॉग है। चलिए आपको दिखाते हैं वीडियो कि क्या हुआ था इंडिया में, देखिए। यहाँ पे मेरा भाई गुरुद्वारे गया था तो वहाँ पे ये लोग मम्मी और भाई दोनों कैंडल जलाते हुए, दिए जलाते हुए, ये है गुरुद्वारे की तस्वीर। और यहाँ पे इन लोगों ने चलाया है अनार, ये देखिए। यहाँ पे दिवाली के साथ हैलोवीन भी सेलिब्रेट हो रहा है, बच्चे ट्रीट इकट्ठी कर रहे हैं। ये देखिए, यू बोथ चूजिंग, ओनली वन फॉर मी आशु, ओनली वन फॉर मी, इट्स ओके। Oh my god, so many candies, show me. This is something. Wow. I give you M&M's in this, you can see it will be equal. Because I take mine home. Because I have. Hey, Mom. Do you know that Mama can make it equal? You want more, bro? Is this equal, Auntie? See? Which one? Come, show me. Equal, no? Equal. Equal, no? Because it's in the bag, it looks more. Okay. Equal. You can eat it now or you can save it for later. Ashu, this one's so tasty. Auntie, can you make these both half-half with the scissor? Because we both, this is one cream and one orange. No. Keep it later, we'll half it later. No, you're both going somewhere again? Yeah. Okay, go. Put here then. Take these. These are yours. Bro, I don't want them. कितना मजा आता है ऐसे फेस्टिवल्स पे। हमें तो कोई हैलोवीन की ट्रीट देता नहीं था, यहाँ पे आके ही पता चला था कि हैलोवीन की कोई ट्रीट होती है। नाउ यू ऑल गोइंग अगेन, लेट्स काउंट हियर, वेट आई विल कट। तो हैलोवीन पे आयशा को क्या क्या मिला है? आयशा जस्ट शो मी, आयशा ने क्या क्या ट्रीट मिली आयशा को? चॉकलेट, देखिए कितनी चॉकलेट्स मिली है यार, बहुत मजा आता है जब बच्चे होते ना, इतनी चॉकलेट्स। ये देखो, ये सारी चीजें आयशा को मिली है, उसमें से कितनी सारी चीजें तो हम लोगों ने खा भी ली है। आयशा मीट या पापा ईट, ये देखिए ये कितनी सारी चॉकलेट्स हैं एंड मोर चॉकलेट्स हियर एंड देन टॉफीज। ये टॉफी जब मैं छोटी थी ना आयशा, व्हेन आई वाज स्मॉल आई वाज ईटिंग दिस वन, इट्स सो यम्मी। चलो ये सारा सेक्शन हो गया टॉफी और चॉकलेट, है ना? ओके। एंड नाउ चिप्स वन बिकॉज आई ईट वन। ये दो चिप्स आयशा को मिले थे, एक मैंने खा लिया, एक आयशा ने, एक आयशा की फ्रेंड ने। ठीक है, और क्या है आयशा? केक है, ये दो केक मिले हैं आयशा को, तीन केक मिले हैं और ये जूस है, जूस मिला है, कुकीज, ये कुकीज और ये पता नहीं क्या है, कैंडी बिस्किट्स और ये लॉलीपॉप ड्रिंक्स, क्रैकर्स, लॉलीपॉप,
लॉलीपॉप्स, क्रैकर्स, गमीज, गमीज, मतलब इतनी सारी चीजें इन लोगों ने इकट्ठी की है, बड़ा ही मजा आया होगा बच्चों में, छोटे होते मजा ही कुछ और है। तो यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स थे केरला के, वो लोग यहाँ पे अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए, बहुत ही प्यारा था। ये लोगों ने सबने छोटी छोटी परफॉर्मेंस दी, और सामने इनके फर्स्ट साइड पे यहाँ पे छोटी सी बच्ची है, ये सबूही है आयशा की फ्रेंड, और ये भी इनको ज्वाइन करती हुई आता नहीं था, बट फिर भी थोड़ा प्रैक्टिस करते हुए बहुत ही मज़ेदार इन लोगों ने डांस किया था। इतना मज़ा आया देख के ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डांस किया था इन लोगों ने भी। तो यहाँ पे केरला के लड़कों का ग्रुप था, ये लोगों ने भी बहुत अच्छा से डांस किया। सारे ही हमारी बिल्डिंग में ही ये लोग रहते हैं, केरला के लोग, इंडिया के लोग, पाकिस्तान के लोग, जो अलग अलग कंट्रियों के लोग, ये मैं हूँ और मेरी फ्रेंड्स हैं, ये लोग भी यहाँ पे मस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं सारे, बहुत अच्छे से। ये देखिए बहुत ही प्यारी प्यारी डांस परफॉर्मेंस दी है इन लोगों ने भी, ओह माय गॉड। ये देखिए, ये हम सब निकल मस्ती की थी, देखो कोई भी कंट्री के हो, है तो इंडिया ही भाई, इंडिया सारा इकट्ठा हुआ था, बहुत ही मस्ती लग रही थी, बहुत ही मज़ा आया कल दिवाली के दिन। तो दिवाली बहुत अच्छी, कल नहीं थी, कल छोटी दिवाली थी, आज बड़ी दिवाली है, बट कल ही लोगों ने काफ़ी उन्हें सेलिब्रेट कर लिया है, तो बहुत ही मज़ा आया ये देख के। वाह, ये देखिए बच्चे, ये सारे बच्चे, ये सारी फ्रेंड्स पिक्चरें खिंचवा रही हैं। तभी मैं यहाँ पे नहीं थी क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट गई थी, बट सबकी पिक्चर्स हैं इसके अंदर। ये देखिए हमारे बिल्डिंग के पूरे लड़के लड़कियाँ सारे ग्रुप के जो भी हैं सारे, ये मैं भी खड़ी हूँ, आयशा भी खड़ी है इसके अंदर, और यहाँ पे सब लोग मस्ती कर रहे हैं। उसके बाद दिवाली का जश्न जो स्टार्ट हो गया था, सब ग्रुप बना के खड़े हुए हैं, बातें कर रहे हैं, फिर ये देखो सब लोग पिक्चरें खिंचवा रहे हैं, फिर हमने दिवाली भी सेलिब्रेट की और बहुत ही मज़ा आया। तो मैं आ चुकी हूँ घर पे, बिल्कुल ही फ्री हो चुकी हूँ, और बहुत ही मज़ा आया कल दिवाली पे, और आज भी कुछ सेलिब्रेशन थे, और इस बार हेलोवीन और दिवाली दोनों ही टुगेदर था, मतलब एक साथ आए थे, और बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और हमने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आप लोग भी बताइए कि आपकी दिवाली कैसी गई। और बात करते हैं आज क्या उसका नाम था, मैं नाम भूल गया उसका, नहीं भूल सकती, मनीषा रानी का। मनीषा रानी ने क्या कहा है, मनीषा रानी ने भी सेलिब्रेट की है दिवाली बहुत ही अच्छे से। मनीषा बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी, जहाँ मनीषा ने पूरे घर की सफाई की, एक एक चीज़ें साफ की, वहीं पे मनीषा ने ये भी कहा कि मैं एक काम वाली हूँ, मैं कल काम वाली, सुबह काम वाली थी और मैं शाम को घर की मालकिन बन गई हूँ। इतनी ही प्यारी लुक लग रही थी मनीषा की, जो ड्रेसिस सेंस था वो इतना ज़्यादा प्यारा था। मनीषा के फैन मनीषा को हमेशा लाइक करते हैं क्योंकि मनीषा बहुत ही अच्छे दिल की लड़की है। मनीषा की चाहे कोई डांस परफॉर्मेंस हो, चाहे कुछ भी हो, मनीषा पूरे दिल जान से मेहनत करती है अपने फैंस के लिए। और आप भी मनीषा के फैन हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा जरूर व्लॉग कैसा लगता है आपको, आपकी जो राय है वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपके बिना कुछ भी नहीं है। अगर आप वीडियो को देखते हैं तो प्लीज लाइक करके जाइएगा, आपका कुछ भी नहीं जाता और मेरा बहुत कुछ जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।